आज मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट की मीटिंग हुई है, जो लगभग 2.25 घंटे तक चली और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो है कैबिनेट ने आज फैसला लिया है। सबसे पहला और अहम फैसला जो है कोड 817 का, जो बहुत लंबे अरसे से लंबित था, और क्योंकि हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड भंग कर दिया गया था और उसमें इंक्वायरी थी, और हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे नौजवान जो है वो मांग कर रहे थे कि इसको जो है बहाल किया जाए, इसके रिजल्ट निकाले जाएं, और कैबिनेट सब कमेटी को कहा था कि वो अपनी रिकमेंडेशन भेज के कैबिनेट को भेजे। तो कैबिनेट सब कमेटी ने जो है कुछ दिन पहले इसमें जो है कैबिनेट को प्रपोज किया कि इसका रिजल्ट निकाला जाए, और 6 जो कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा था और जिन पे ये था कि विजिलेंस की इंक्वायरी में कि इन्होंने पेपर खरीदे हैं, उनको छोड़ करके जो है 7 पोस्टें जो है वो खाली रखने को कैबिनेट ने अनुमति दी है, और बाकी का जो रिजल्ट है वो बाकी का जो प्रोसेस है जो रुका हुआ था उसको स्टार्ट करने के लिए जो है कैबिनेट ने अनुमति दी है। और हमीरपुर चयन आयोग है वो अब इसके जो प्रोसेस रुके हुए प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, और जल्द जो है वो इनको बुला करके इनके जो है डॉक्यूमेंटेशन होनी है उस आधार पे जो है रिजल्ट को जल्दी जो है घोषित करेगा। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस साइबर लैब जो है वो स्टेट